से कुमारपुर जाने के रास्ता इतना ख़राब है कि भारत स्वाधीन होने के बाद आज तक रास्ता नहीं बना है। बच्चा बच्ची का कुमारपुर वाले को तो जो लड़का लड़की है उन लोगों का दूसरी जगह में शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है। आज भले ही देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है पर आज भी देश में ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जो विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत अम्बा पंचायत के कुमारपुर गांव भी आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। कुमारपुर गांव दुमका लोकसभा क्षेत्र एवं नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गाँव में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इस गांव का नज़दीकी बाज़ार अम्बा है जो कुमारपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 घरों वाले इस गांव के लोगों को अपनी सभी ज़रूरत की चीज़ों के लिए अम्बा जाना पड़ता है। कच्ची सड़क होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है, विशेषकर बरसात के दिनों में चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अम्बा जाने के लिए नदी भी पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में बच्चे ट्यूशन के लिए साइकिल कंधे में लेकर नदी पार करते हैं। हम लोग का पंचायत अम्बा है, हम लोग का मतलब बैंक भी अम्बा है और बच्चों का स्कूल भी अम्बा है। ऐसे रास्ता बहुत ख़राब है, बरसात के समय में हम लोग का आना जाना बहुत दिक्कत है। पूरा बरसात में नदी में भी पानी है और रास्ता में पूरा मतलब कीचड़ ही रहता है। बच्चों का स्कूल में दिक्कत होता है और इधर का दुकान वकान मतलब सब कुछ हम लोग का अम्बा ही है, इसलिए सब दिक्कत ही होता है। इसलिए ज़रूरत है हम लोग का रास्ता के लिए। और मतलब हॉस्पिटल भी हम लोग का अम्बा है, हॉस्पिटल आना जाना ही होता है। जैसे जल सैया है, ई भी सैया है, दोनों सैया इधर रिपोर्ट वपोर्ट जमा करने में। ज़्यादातर बच्चों का ऐसे डिलीवरी मतलब ई का भी बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। आंगनबाड़ी भी वहाँ है, बहुत ही दिक्कत होता है। और बरसात के मतलब 4 महीना हम लोग का बहुत ही ख़राब, मतलब रास्ता में इतना कीचड़ रहता है, बच्चों साइकिल से भी जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, पैदल भी नहीं जा पा रहा है। हम कुमारपुर जल सिंहा है, हमारा कुमारपुर गांव में कुछ भी जोगाजोग नहीं है। हमारा गांव लोगों का बहुत असुविधा होता है, दिक्कत होता है। अम्बा स्कूल, अम्बा पंचायत, सब कुछ हम लोगों का अम्बा में ही है, लेकिन हमारा बच्चे लोग का बहुत असुविधा होता है। अम्बा गरसुमला से कुमारपुर जाने के रास्ता इतना ख़राब है कि भारत स्वाधीन होने के बाद आज तक रास्ता नहीं बना है। बच्चा बच्ची का कुमारपुर वाले को तो जो लड़का लड़की है उन लोगों का दूसरी जगह में शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है, शादी भी नहीं होता है उन लोगों का। ऐसे क्या है, जो बच्चा स्कूल आते हैं एक बार और आने के बाद जब घर लौट जाते हैं तो दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इतना कीचड़। और हम चाहते हैं उपायुक्त महोदय से कि इनका अपना स्तर से अपना जाँच कराइए और इस रोड को और नदी में ब्रिज करने का कृपा प्रदान करें, यही हम आशा रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कुमारपुर गांव आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी एक टापू बनकर रह गया है।